चीन और ब्राजील सहित कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 के बढ़ते संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश की सरकार बूस्टर डोज पर जोर दे रही है। शुक्रवार को कोरोना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों को बूस्टर डोज लगाने के लिए जागरूक करें। इधर सरकार ने हर पॉजिटिव मरीज का जीनोम सिक्वेंसिंग टेस्ट कराने का फैसला किया है। समस्या ये है कि प्रदेश में सर्दी, खांसी और जुकाम से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कोरोना टेस्टिंग के सैंपल की संख्या बेहद कम है। समीक्षा बैठक में सीएम चौहान ने कहा कि कोरोना बढ़ने की अभी पहले जैसी कोई बात नहीं है, फिर भी अस्पतालों में तैयारी पूरी रखी जाए। जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है, उन्हें बूस्टर डोज लगवाना शुरू करें। कोरोना से सावधान रहें और इलाज के लिए अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए। मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की मॉकड्रिल करा ली जाए। प्लांट चालू हालत में रहे, यह सुनिश्चित किया जाए जिन व्यक्तियों ने वैक्सीन का तीसरा डोज बूस्टर नहीं लगवाया है, उन्हें डोज लगाई जाए। मुख्यमंत्री चौहान के निवास पर कोविड 19 से बचाव के लिए तैयारी को लेकर हुई बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह वैस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।